I'm stuck on repeat. I see the same skies every night. Oh, I need a. बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया और झकास हूँ। फाइनली हम लोग इटली आ चुके हैं। सो दिस टाइम आई एम इन बोलोनिया, इटली। इटली भी बहुत सारे मतलब लेओवर मिलते हैं एमिरेट्स में, बट मैं इस टाइम बोलोनिया में हूँ। एंड दिस इज माय रोम, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में रोम टूर दिखाऊंगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी नॉर्मल फ्लाइट थी, मतलब ईजी पीजी फ्लाइट थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक फ्लाइट थी, लोड भी लेस था। मेरे लिए जो आज सबसे चैलेंजिंग चीज़ थी वो ये थी कि आज जो मुझे है गैली पकड़ा दिया गया था। तो गैली आप में से काफ़ी लोग समझते होंगे, गैली वही जगह होती है जहाँ पे सारे कार्ड्स मील्स वगैरह सब कुछ रखे होते हैं। एंड काइंड ऑफ न्यू ज्वाइनर के लिए वो एक टफ पार्ट होता है। एयर एशिया में इट वॉज ईजी फॉर मी बिकॉज मैं फेमिलियर थी सारी चीज़ों से, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना इसे एक तो सोच समझ के करनी पड़ती है, प्लस फुल सर्विस होता है। तो आज मेरे पास गैली थी, सो काइंड ऑफ हेक्टिव, मुझे इससे टेंशन था कि मैं क्या करूँगी क्या करूँगी, बट सब कुछ एकदम स्मूथली हो गया। द थिंग इज दैट क्रू, माई कलीग्स, दे वर वेरी यू नो हेल्पफुल। उन लोगों ने आके सारा काम किया है मेरे को दिखाने के लिए कि मतलब ऐसे ऐसे काम होता है। तो दे हेल्प मी अलॉट टुडे। एंड मैं काफ़ी थकी हुई लग रही हूँ, बाय द वे पूरी रात सोई नहीं हूँ, जल्दी सो गई थी, बट आई डोंट नो आजकल क्या हो रहा है, रात को एक बजे तक मेरी नींद खुल जा रही है, फिर उसके बाद मैं सो नहीं पाई। वेल, चपड़ चपड़ बंद करते हैं एंड फटाफट से मैं आपको अपना रूम टूर करवाती हूँ, जो कि एक दिन के लिए मेरा रूम है। सो चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये एंटर करते ही इस टाइम यहाँ पे कोई भी अलमीरा नहीं है, इस बार यहाँ पर रैक है। सो काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ हो गया है यहाँ पर, ठीक है। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, मतलब लेफ्ट वॉशरूम की तरफ जाते हैं, जो कि ये है। सो ये है मेरा वॉशरूम एंड काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा है, और मुझे इस टाइप के वॉशरूम में कलरिंग बहुत अच्छी लगी, इस टाइप की लाइटनिंग वगैरह सब कुछ बहुत है। और ये रही मैं आप लोगों के सामने जो कि मतलब हाँ मैं मतलब फ्रेश लग रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हारी लग रही हूँ। एंड आई डोंट नो ये लोग इतना जूम मिरर क्यों देते हैं, मतलब ये दिखाने के लिए देते कि हम लोगों की शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। लिटरली आई वॉज लुकिंग सो भेंगी। ये तो था वॉशरूम जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, इसको करते हैं बंद। बंद हो जा भाई। ओके गो। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर साइड में एक मिल जाता है प्यारा सा मिरर, जहाँ पे मैं लूंगी बाद में बहुत सारी मिरर सेल्फी। एंड मूविंग फॉरवर्ड दिस इज आर रूम, जिसको देखते ही मुझे ऐसा लगा वाह क्या रूम है, और मुझे फीलिंग भी बहुत अच्छी है बिकॉज इस टाइप का रूम थीम और इस टाइप का रूम कलर मुझे बहुत पसंद है एंड काफ़ी डिसेंट सा रूम है। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे टीवी है, एंड देन आई गेस यहाँ पे तो वही बार से वगैरह सब कुछ रखा होगा आई गेस। या लुक आई टोल्ड यू, बट ये कैसे खुलने वाला है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। ओह वाओ, सो दे हैव केप्ट स्टफ एंड आई नो इसको खाऊंगे तो चार्ज लगेंगे, सो बेटर जस्ट क्लोज दिस। एंड हियर वी हैव दिस टी कॉफी, तो ये हम पी सकते हैं, ये मैं पीऊंगी भी। एंड देन हियर वी हैव दिस अलमीरा, खुल जा। ओके सो हियर वी हैव दिस अलमीरा एंड ऊपर आई डोंट नो ये सब क्यों एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अगेन अलमीरा में भी मुझे मिरर है, तो काफ़ी सारी मिरर सेल्फीज ली जा सकती हैं इस रूम में। एंड देन ये है हमारा बाहर का व्यू, सो काइंड ऑफ ठीक है, अच्छा है व्यू, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। दिस इज़ द व्यू एंड या यही था रूम टूर। एंड अभी आज का क्या प्लान है, बेसिकली मैं इतने लेओवर कर रही हूँ कि मेरा ना अभी क्रेज़ चला गया है लेओवर वाला। आई नो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैं बोल रही हूँ ये चीज़ को, अभी तो फ्लाइंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। बेसिकली आज है हम लोग सब लोग ही जाने वाले हैं, बट 5 बजे जाने वाले हैं, तो आई एम हैप्पी कि थोड़ा रुक के जाएंगे, तब तक मैं अभी फ्रेश हो जाऊँगी। सो चलो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ एंड देन आई विल कैच यू ऑल। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड बस अभी हम थोड़ी देर में नीचे जाएंगे, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है एंड मुझे बस है कि मैं नीचे जाके पहले अच्छी से कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लूँ, जो कि मैं अपलोड कर सकूँ अपने इंस्टाग्राम पे। एंड या बस अब चुप नीचे चलते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एंड देन विल रिकॉर्ड मोर।
बस अब हम लोग बाहर निकल ही गए हैं कॉरिडोर में एंड ऑलमोस्ट रात भी हो ही चुकी है तो आने से रही। Lost, don't get lost. No, I'm not getting lost. I thought we will come in the... So we came out and it's just 5 PM right now and just look at the darkness. I'm not aware it's so cold. Aaj barish bhi hone wali thi. Literally, Italy is so beautiful. Following the map, I'm looking for a restaurant because we wanted to have a dinner first. Guys, to be very honest, it looks very beautiful. But रात के time पे मेरे phone में वो जो एक you know इसकी beauty है वो capture नहीं हो पा रही. इतना अंधेरा है. I'm gonna come again in the morning to show you guys. Looks like that. Yeah, it's looking for the restaurant. Suddenly this just showed up in our way. So this is a kind of street where they are selling chocolates, Christmas decorations stuff and a lot of things. And literally I wanted to purchase some stuff, but then I realized I forgot my card at home. That was the, you know, worst part. And they have like everything like cake, chocolates, and this was so beautiful. I literally wanted to purchase some home decoration stuff, like for my mother also. And you can see, I'm gonna show you each and everything. In Italy, there's like one tradition of having hot red wine on Christmas. I guess it's on many other places. So I just tried the hot red wine, and to be very honest, I didn't like it. Just a one sip, and I was like, no. Such a cutie pie. He's clicking. He knows, like, I'm clicking his picture. Oh, look, there's a stack behind you. Oh, you're so cute. So just look at the architecture and everything. It's so beautiful. It just reminds me of my history classes back in school days. It was like so beautiful. And here I am again, mere baal theek karte karte. So this was the restaurant. Later on I realized that they serve only pork and beef. Then I had to get up and leave this restaurant because I was like in Italy for pizza, not for this. Then we started walking, and as you can see, I'm just following the seniors because they are like, you know, they better know this place than me because some of them were Italian. And finally we found the place where we got the pizza. And you know, aap agar Italy gaye ho, you had to try the pizza and the pasta and the red wine. But I didn't try the red wine, I just tried the hot red wine, but it was not nice. So here was the pizza and I was enjoying it. Hey guys, so कल मैं बहुत जल्दी घर आ गई थी. बेसिकली हम लोग कल बाहर गए एंड रात का टाइम था. इटली बहुत ही प्यारी जगह है और मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज़ एक तो इतनी ठंडी थी एंड हाथ मेरे एकदम फ्रीज हो गए थे. आई डोंट नो क्या ही हुआ था. एंड मेरे को रात को ना इतना बुरा लग रहा था कि इतनी प्यारी जगह है एंड मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर रही हूँ, सब ब्लर आ रहा है. एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं मॉर्निंग में फिर से जाऊंगी. सो अभी मैं उठ गई हूँ एंड काइंड ऑफ बहुत भूत जैसी भी लग रही हूँ मैं, बट इग्नोर दैट. सो नाउ आई एम गोना गेट रेडी क्विकली एंड देन विल गो आउट अगेन. सो सी यू गाइस. सो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ एंड फिर से मैंने वही वाले कपड़े पहने बिकॉज मैं इसी आउटफिट में पिक्चर्स चाहती थी और मेरे कल एक भी अच्छी पिक्चर्स नहीं आई हैं. और जैकेट तो मैं एक ही लेकर आई थी तो मैंने कहा वापस से आज एक ही वही सेम पहनेंगे, क्या ही हो जाता है. एंड तैयार मैं एक ही पैरी में होगी क्योंकि जब तक हम बाहर से आएंगे तब तक हमारा वेकअप कॉल भी आ चुका होगा ना, हमें रेडी ही होना होगा. सो मैंने एक ही बार में रेडी होगी कि बार बार मुझे रेडी ना होना हो. देन बस आके फटाफट यूनिफॉर्म चेंज करके फिर हम लोग चलेंगे. एंड रात को मैंने अच्छी खासी नींद भी ले ली है, सो भी गई थी मैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोई. ओ यार चलो चलते हैं नीचे. ओके गाइस, आ चुके हैं हम बाहर एंड आज मैं आपको डे टाइम में मतलब सुबह के टाइम पे इटली दिखाऊंगी. कैन यू
click some pictures for me in this street. It's so beautiful. So yesterday I was like, I had to come in the morning because I wanted to see this beauty. Like, you know, रात के टाइम पे मैंने भी इसको ध्यान से, मतलब इतना क्लियर नहीं दिखता है आपको, रात के टाइम पे इतना फॉग भी था, प्लस इट्स सो ब्यूटिफुल गाइज. लाइक हर चीज़ इतनी प्यारी, मतलब हर चीज़ इतनी पुरानी और एंशियंट थी ना, जो इस कंट्री को इतना ब्यूटिफुल बनाई थी. एंड देन वी केम टू दिस कैफ़े टू हैव सम ब्रेकफास्ट, एंड आई एम शाई पर्सन जो कि कैमरा पर बोल नहीं पा रही हूँ. And then when we went inside the like this cafe, it's so cute. And then I changed my mind, I'm gonna have a croissant and a coffee. So this I ordered the chocolate one, the Nutella, and my friend also, she ordered a croissant and a coffee and something like I don't know what. And I literally next am time in love I have with Rome. This cappuccino. Oh my god, it was so next yummy month, on it was Christmas. So yummy and creamy that I have taken one more when I left this like place. So I was like, oh, it's all over my lips. And yesterday, when we went out, I was telling about like all the, because I always go out on like with the crew, you know, so we always go, they don't like they in go my only friend by themselves. Yeah. So literally it's getting colder. It's so cold. Even this coffee doesn't feel like hot. It's cold. So nice walking here. Such a beautiful place. And the weather देख के ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी बारिश होने वाली है. And अब हम लोग सोच रहे हैं घर ही चले वापस, not घर, होटल. Sometimes like I should learn Italian. We were just heading back to the hotel and then we saw this you know statue and I was like photo तो खिंचवानी बनती है यहाँ पे because ये भी यहाँ का एक कोई पार्ट है. एंड सो मैंने क्लिक करवा ली पिक्चर थोड़ी. गाइज सो नाउ वी आर हेडिंग बैक टू होटल. एंड लिटरली मैं आपको आज इस व्लॉग में ज़्यादातर इटली ही दिखाना चाहती थी. एंड ट्रस्ट मी इट्स सो ब्यूटिफुल. जस्ट कम वंस इन योर लाइफ हेयर. एंड इट्स द हार्डेस्ट फ्लाइट टू गेट, आई एम टेलिंग यू. जितने सीनियर्स भी थे ना वो लोग भी यहाँ मुश्किल से एक बार आए हैं, कोई मुश्किल से दो बार आया होगा. अदरवाइज बहुत ही हार्ड फ्लाइट होती है ये, मतलब ये इटली की बोलोनिया जो फ्लाइट होती है. Didn't realize that we are walking too much. So guys, I got so late that everyone is downstairs. And at पहले मैंने देखा time हो गया. ये मेरे साथ ना क्या ही हो रहा है मैं जानती हूँ. तेज तो मुझे भागना पड़ रहा है. लिटरली आई एम नॉट रेडी एट ऑल. सब लोग मेरे को पहुंच चुके हैं एंड मैं बाहर से घूम के आई. काफी अच्छा था, आप लोग ने मे भी देखा होगा. शिट आई एम सो लेट, आई कांट टेल यू. बाल मैंने इतना जल्दी जल्दी बनाए हैं, इतना रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट मैं. बस मैं कुछ भूल ना रही हूँ, पानी पी लूं. दिख तो रही नहीं हूँ. सब कुछ ले लिया है. शिट 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 शिट. मैंने सोचा था मैं इस ब्लॉग को थोड़ा अच्छे से ही बनाऊंगी, बट आई डोंट नो ये क्या ही बन गया मेरे से. सब कुछ खाली है, कुछ छूटा नहीं है. ओह आई एम सो लेट. एवरीवन इज डाउनस्टेयर्स है ना, एक डाउट होने लगता है कुछ छूटा तो नहीं है, तो सब कुछ एक बार चेक कर लूं. लिपस्टिक भी नहीं लगाई है मैंने, प्लीज कुछ रह ना गया. पिज्जा मेरा जो कल का लेफ्ट ओवर था वो मैं लेकर आ गई थी. एंड बस पानी पी लूँ.
आईकार्ड ले लिया, घड़ी ले लिया है। आप लोग भी अगर मेरी तरह लेट लतीफ हो तो बताना मुझे। चलो सब कुछ है मेरे पास, अब मैं फटाफट नीचे जाती हूँ, ट्राई करूंगी, बस मैं आप लोगों से बात करूँ। चलो बाय 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 टू दिस ब्यूटीफुल रूम जिसको मैं एकदम कचड़ा बना के जा रही हूँ, एंड यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ टाइम पे, वो भी तो लेट। आई विल बी द लास्ट वन। वो तो अच्छा मेकअप मैंने पहले से करके रखा था, वरना क्या ही होता, नामो निशान भी नहीं है यहाँ। आ गई बैक एंड रात को ही आ गए थे, बट मैं सो गई यार, मैं बहुत थक चुकी थी। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग सही लगा होगा, बिकॉज ज़्यादा कुछ इतना किया नहीं था। एंड मुझे ना बाकी जो हम लोग तो वहाँ से आ गए, बट इतना बुरा वेदर हो गया था वहाँ पे, इतना फॉग हो गया था कि टेक ऑफ के बाद भी कुछ दिख नहीं रहा था, एंड बहुत बारिश हुई थी। तो लक मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मैंने सही टाइम पे हम लोगों को ले ओवर मिला था, एंड हमने एक्सप्लोर किया इटली को, अदरवाइज होटल में ही बैठे रह जाते बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है देन डू लाइक एंड शेयर दिस ब्लॉग, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग हियर। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।